सर सर एक इधर सर इधर भी नॉर्मली लोग गारमेंट को ही फैशन को समझते हैं, पर लेकिन अंडरगारमेंट उससे भी ज़्यादा ग्लैमर और फैशनेबल है। इसके बारे में जो भी अंडरगारमेंट से डील करता है उसको नॉलेज होती है, गारमेंट से भी ज़्यादा ग्लैमर अंडरगारमेंट का काम होता है, इसलिए ये ग्लैमर काम करते हैं। सरकार से क्या कुछ मदद चाहते हैं, क्या कुछ मतलब हमारी अपने के साथ साथ हम जैसे कई और लोग हैं उनके लिए भी कहते हैं जो यहाँ पे काम करने को इच्छुक है और इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उनको सस्ते रेट के अंदर लैंड दे, उनको फैसिलिटी दे, उनको सुरक्षा दे, जिससे कि वो यहाँ पे यूपी के अंदर करें, जो कि आज लोग यूपी में सेटल करने से डरते हैं। जैसे मॉल्स वगैरह कंपनी डालती है अपने किस तरीके का भी आता है नहीं, अभी अभी हमारा जो इस साल तक अगले साल की प्लानिंग अलग होगी, अभी तो हम लोग यहाँ के जितने भी MBOs हैं उनसे काम करना चाहते हैं, बाद के अंदर तकरीबन एक साल के बाद हम अपने MBOs खोलेंगे जिसके अंदर अभी टाइम। थैंक यू वेरी मच। हम आए नहीं और हमारे को ऐसा लगता है हमारी ताकत थोड़ी सी कि हम अंबानी हो या किसी के पास जाके जा सके, क्योंकि वो सारे इतने आ रहे थे वो 500,000-2,000 करोड़ के बंदे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी हैं। यही मैं भी बोलना चाह रहा था कि हमारे आने का कारण क्या है, प्रशासन को लगे कि एक मिडिल क्लास इंडस्ट्री का बंदा आके 500,000 करोड़ चल रहा की बात करें, जो कि साल में 3,000 बंदों को वर्क यहाँ पर चाहता है, जॉब प्रोवाइड मिले, तो उसकी तरफ भी ध्यान दें। हो गया, हाँ हटाओ।